वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। तो सुबह ही सुबह उठ चुके हैं और रेडी आपको दिख रहे होंगे हम, और जा रहे हैं आज मथुरा। दीदी आ रही हैं, सिस्टर मेरी, और हम लोग जाएंगे मथुरा, जा रहे हैं घूमने, एंजॉय करेंगे थोड़ा, वहाँ के बिहारी के दर्शन करेंगे, आगरा से मथुरा जाएंगे, मज़ा आएगा। बने रहिए ब्लॉग में। दादी भी तैयार है, चाचू भी तैयार है, और अभी गाड़ी आ रही है हमारी, वो चला के ला रहे भक्तों को, फूफा जी। तो विराट हो चुका रेडी और मम्मी भी हो गई रेडी, और चल रहे हैं मथुरा, मौज आएगी फुल। क्या विराट? हाँ चल रहे हैं, गाड़ी वाड़ी आ रही होगी, जिया जी ला रहे हैं और फिर चलते हैं। तो गाड़ी गई है और हम लोग चल रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मथुरा, वृंदावन पहुंच चुके हैं। मथुरा वृंदावन आ जाएंगे इधर साइड, और पीछे बजरंगबली का मंदिर हमारे यहाँ पर दर्शन करके बस करें। तो पिछली बार आई थी गाड़ी अपनी, तो यहीं पे एक्सीडेंट हो गया था सामने, तो इसलिए बजरंगबली कृपा से कुछ हुआ नहीं, किसी को नुकसान वगैरह नहीं हुआ था, इसलिए हनुमान जी के हर बार दर्शन करते हैं हम लोग, और हम लोग कर रहे हैं दर्शन वगैरह, बहुत सुंदर है यहाँ पर। तो पूजा पूजा हो चुकी है और सामान वामन रखते हैं, तब निकलते हैं ये मम्मी मंदिर वंदिर घूमेंगे आज जी को। तो ये है वृंदावन में कात्यायनी मैया का मंदिर, यहाँ पे कोई भी मन्नत अगर आप मांगोगे तो वो सच्ची हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है यहाँ पे। सिक्का अगर आपका चिपक जाता है दीवार पे तो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है। यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा पानी वानी पी के आ चुके हैं हम लोग, खाना पीना खाने, वो हीरा लाल था ये अच्छा होटल था वहाँ पे, और हम लोग आए थे, खाना वाना खाते हैं यहाँ पे अंदर, बहुत बढ़िया था, साफ सफाई एकदम एक नंबर, और हम लोग बैठ के खाने मौज करते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये बड़ी बन गया मैं। तो हमने मंगाए हैं नूडल्स एंड मंचूरियन, और इन दोनों को मिक्स करके खाने में मज़ा ही अलग आ गया भाई। अजय पहले खा रहा था उससे, फिर हाथ से खाने लगे हम देसी स्टाइल अपनी में, और यहाँ पे मज़ा आ गया भाई खा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मंगाए फ्राइड राइस, एकदम टेस्टी फ्राइड राइस थे, एकदम बढ़िया थे। तो यहाँ पे खा पी लिया था, और खा पी के चल रहे हैं मंदिर। मंदिर खुल चुके होंगे, टाइम हो चुका है, मतलब थोड़ा रह गया अभी टाइम, और दृश्य मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम शानदार, सामने पानी वगैरह, ये देखो सामने आप पानी भाई साहब, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे, आगे एकदम शानदार। तो ये शनिदेव मंदिर है भाई, गरुड़ मंदिर भी बोलते हैं इसको, और ये बहुत ज़्यादा साल पुराना, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। अंदर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अंदर इसकी मतलब पूरी वो लिखा हुआ है कितने साल पुराना है, कैसे कैसे क्या है। और आप अंदर है ये कृष्ण जी और उनकी जो पत्नियाँ हैं रुक्मणी, और उनका तस्वीर वो अंदर मूर्ति लगी है, और चल रहे हैं अंदर। दीदी दीदी कह रही चलो भाई सही से बनाओ, और तुम्हारे भाई को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चल रहे हैं अंदर दर्शन वर्शन करेंगे। और यहाँ पर गरुड़ जी की बहुत ही प्रतिमा बहुत ही एकदम सुंदर लग रही है, देखो आपको देखे सही से, तो इसमें देखो दिख रही है अंदर गरुड़ भगवान है ये। और अंदर चलते हैं, आप देखते हैं चल के अंदर, यहाँ दर्शन वर्शन हो गए हैं अपने। तो हम लोग मंदिर में आ चुके हैं अंदर, कृष्ण जी और उनकी जो पत्नियाँ उनकी यहाँ पे वो लगी है रुक्मणी जी हैं जो, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, सामने आप देख रहे होगे वहाँ पे सब कुछ लिखा है कितने साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, और बाकी सारे मंदिर बंद हो जाते हैं मथुरा में 1 बजे के बाद, 1 बजे तक बंद हो जाते हैं, फिर 4:30 बजे खुलते हैं और मंदिर। तो हम लोग यहाँ पे चले आए थे और यहाँ पे इनके दर्शन किए, बहुत ही सुंदर लगा, अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ये देखो आप सब चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, कितना साल वर्ष पुराना मंदिर है ये, और श्रद्धा भी इस मंदिर की बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर भीड़ नहीं थी और लेकिन मज़ा आ गया। आप देखो कितने सुंदर है बांके बिहारी जी, एकदम शानदार लग रहा था मंदिर में। बाहर अपने गणेश जी विराजमान, और चल रहे हैं आगे, देखेंगे चल के आगे, इनकी जो पत्नियाँ हैं वो थी अंदर, और जय राधा कृष्ण, और उधर से ही होगा।
तो यहाँ पे बाहर मंदिर के बहुत सारी प्रतिमाएं थी भगवान जी की, और यहाँ पे दर्शन वर्शन किए हम लोगों ने। और इधर आप देखिए, इधर से रास्ता थी पीछे के लिए, और ये देखिए दर्शन आप, और इधर भोले बाबा थे थोड़ा साइड में हमारे। तो आप सामने देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, ये भोले बाबा थे हमारे, शिवलिंग थी यहाँ पर, तो सामने बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और एकदम मज़ा आ गया यहाँ पे आके। तो भाई यहाँ से चलना है, मंदिर वगैरह खुल चुके होंगे क्योंकि सामने खुल जाते हैं मंदिर, और चलते हैं फिर मंदिर वगैरह चलेंगे। तो जहाँ से चलना है निकलते हैं और दूसरे मंदिर वगैरह घूमेंगे चल के, और एकदम। तो कात्यायनी वहाँ पर गाड़ी कर दी खड़ी हमने, और फिर भी वहाँ से कर ली थी कन्हैया जी के मंदिर जाने के लिए, बाकी बिहारी मंदिर जा रहे हैं हम लोग टर्री से। टर्री बहुत ही मतलब दूर है वहाँ से, एक एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी है वहाँ से, तो इसलिए हमने टर्री कर ली और टर्री से जा रहे हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन कर। तो अब लग रहे हैं एकदम पुजारी आज, एकदम तगड़े वाले चल रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर मंदिर बाद चल रहे हैं हम। जी जी दीदी सब लोग जा रहे हैं, चलते हैं बाकी बिहारी आपको मंदिर दिखाने में, लाइन लगी होगी 4:30। तो यहाँ से हम लोगों ने फूलों की ले ली थी माला, जो कि गुलाब की, बहुत ही सुंदर मालाएं थी एकदम, देखो आप कितनी सुंदर लग रही हैं। यहाँ पे लेते हैं हम लोग मालाएं और फिर चलते हैं मांगी बिहारी के लिए, फिर आगे लेंगे प्रसाद वगैरह उनका। तो कुंज गलियन में घूम रहे हैं, घूमत घूमत पहुँचेंगे बाकी बिहारी के घर पर, मतलब बाकी। तो यहाँ पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे वृंदावन मथुरा दर्शन करने बाकी बिहारी जी के, और यहाँ पे प्रसाद की दुकान बहुत ज़्यादा है कुंज गलियों में, और दुकान कपड़े वगैरह बहुत ही सुंदर दुकान है, मतलब लगता है कि भगवान थे यहाँ पे किसी समय में, और यहाँ पे अभी भी लगता है कि भगवान हैं। और आप देखिए प्रेम मंदिर, उसमें मंदिर मंदिर जाने तो देते नहीं है कैमरा वगैरह, तो आपको मैं ज़्यादा अंदर तो दिखा नहीं पाऊँगा, सॉरी इसके लिए। तो बाहर ही हम देख सकते हैं, आगे आप देख रहे हो लाइन लगी, भीड़ देख रहे हो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी एकदम। आप देखो अंदर तक हम जाएंगे धीमे धीमे, फिर जयकारे लगेंगे यहाँ पर। आगे और पीछे दोनों साइड लाने का है, देखिए वो बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी सामने मंदिर है, सामने वाला ध्वजा दिख रही है, ध्वजा वाला ये वाला, और अलाउड नहीं है उसमें फोन ले जाना अंदर। तो आगे और पीछे दोनों भीड़ भीड़ थी, और लोग देख रहे थे मेरी तरफ कि क्या बना रहा है भाई ये लड़का, और भाई ये चलते हैं अंदर वगैरह दिखाने पाएंगे, और सॉरी और लौट आए मंदिर से दर्शन वगैरह करके हम लोग, और लौट के घूमने 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 जाएंगे, घूमने के लिए मौज आ रही है। और यहाँ पर तो यहाँ पर बाय।